हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ चंचल। आज मैं आपको बॉटल से बहुत ही ब्यूटीफुल से फ्लावर पॉट बनाना सिखा रही हूँ। तो जो ऊपर वाला पार्ट है इसका तो मैं फिलहाल फ्लावर पॉट ही बना रही हूँ, लेकिन जो सेकंड पार्ट है उसमें मैं अपनी पेन और पेंट ब्रशेज रखूँगी, लेकिन आप इन दोनों को ही फ्लावर पॉट में यूज़ कर सकते हो। तो देखो, मैंने फर्स्ट पार्ट लिया, उसको कलर कर दिया, सूखने के लिए छोड़ दिया। सेकेंड पार्ट ले रही हूँ, उसको भी कलर कर रही हूँ। कलर चॉइस आपकी है, आप कोई भी कलर करो, वो आपकी पसंद पर डिपेंड करता है। अब देखिए, मैं ये जो पहला पार्ट कलर किया था वो सूख गया है। मैं इस पर पैटर्न बना रही हूँ, ये मैं फ्लावर्स बना रही हूँ ग्रीन कलर से ही, और मैं इस पर लीफ का भी पैटर्न दूंगी। अभी ये डिज़ाइन शायद आपको अच्छा ना लग रहा हो, पर जब मैं इसको हाईलाइट करूँगी तभी डिज़ाइन अच्छा लगेगा। और आपकी चॉइस है, आप कोई भी डिज़ाइन बनाओ, ये आप पे ही डिपेंड करता है। और आपको मेरी वाली डिज़ाइन अच्छी लगती है तो आप मेरी वाली डिज़ाइन को भी कॉपी कर सकते हो। तो देखो, अब मैं ये लीफ बना रही हूँ। जैसा कि मैंने कहा था, जब मैं इनको हाईलाइट करूँगी तब ये डिज़ाइन उभर के आएगा। अभी ये डिज़ाइन शायद आपको अच्छा ना लग रहा हो। अब मैंने यहाँ पे ये टहनियाँ बना दी हैं, और थोड़ा इसमें हो सकता है आपकी उंगलियों से इस पर निशान लग जाए, पर कोई बात नहीं। अब देखो, ये मैं ब्लैक कलर से इसको हाईलाइट कर रही हूँ। ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, मैं सच बता रही हूँ। ब्लैक कलर से हाईलाइट करने के बाद इसको और भी ज़्यादा इसका रूप निखर गया, और भी ज़्यादा ये ब्यूटीफुल लगने लग गया। तो ये देखिए, मैंने पूरा डिज़ाइन ऐसे ही करके ब्लैक कलर से हाईलाइट किया है। ये डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लगा था। आपकी चॉइस है, आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जो कलर मेरे पास अवेलेबल थे मैंने उन कलर को ही यूज़ करके ये डिज़ाइन को बनाया है। आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये दोनों फ्लावर पॉट कैसे लगे और आप कैसे यूज़ कर रहे हो। जैसे मैं यूज़ कर रही हूँ वैसे ही करोगे, या फिर दोनों को या फ्लावर पॉट में यूज़ करोगे, आप ज़रूर बताना कमेंट में, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने बॉटल कैप को भी ब्लैक कलर से कवर कर दिया पूरा, और ये साइड में रख दिया। अब मैं सेकेंड पार्ट को थोड़ा कार्टून वाला टेक्सचर दूंगी। इसमें ही मैं पेंट ब्रश और पेन रखूंगी। तो ये देखो, यहाँ पे मैंने बनाई है बड़ी बड़ी आईज़। मैंने कहा था ना, मैं कार्टून बना रही हूँ। उसमें आप इसको अगर लाइट कलर से बनाओगे तो ये और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा, पर मेरे पास लाइट कवर सॉरी लाइट कलर अवेलेबल नहीं थे, तो इस वजह से मैंने डार्क कलर को यूज़ किया था। तो ये देखिए, ये आईज बन गई बहुत ही ब्यूटीफुल सी। अब यहाँ पे मैं रेड कलर से इसके गालों को वो बनाऊँगी। तो मैंने रेड कलर से इसके क्यूट से गालों को हाईलाइट किया है। अब मैं इसकी रेड कलर से ही बोटाई बना रही हूँ। अब मैं इसके कर्ली से हेयर बनाऊँगी, तो ये इससे और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने लग गया। तो ये देखिए, ऐसे करके अगर आप इसको लाइट कलर में बनाओगे तो ये और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। ये इसका माउथ बना दिया मैंने, स्माइल बना दी क्यूट सी। तो ये मेरा बन गया है। वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक